हेलो दोस्तों, जिन छात्रों ने CAPF HCM का फॉर्म भर दिया है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 4-5 मिनट का वीडियो होगा। मैं जो भी आपको जानकारी देने वाला हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो मेन फोकस करना है वो करना है टाइपिंग के। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको मेन फोकस करना है वो करना है स्किल टेस्ट पे, टाइपिंग पे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट रोल इसी का रहने वाला है। अब जो आपको सबसे पहले फिजिकल होने वाला है वो फिजिकल, हर कोई अगर 1.5-2 महीना अच्छे से रनिंग कर लिया सुबह सुबह तो 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में हर कोई कर जाएगा। तब आपको क्या करना है कि फिजिकल सुबह शाम कीजिएगा, उसमें आपको कोई आपको ऐसा है नहीं कि फिजिकल करोगे तो आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपका टाइम ख़राब होगा, वो होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप क्या करना है, दो चीज़ को ध्यान रखना है, एक रिटर्न एग्ज़ाम और टाइपिंग, इन दोनों को आपको साथ में लेना है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ है ना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि स्किल टेस्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले रिटर्न एग्ज़ाम तो क्लियर करें। मुझे पता है ऐसे सोचोगे आप, तो ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। आप जितने भी HCM के एग्ज़ाम हुए, चाहे CRPF HCM हो, चाहे CISF HCM हो, BSF HCM हो, सारे में देखिएगा जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना उसमें से 150-150 का बेच जाता है और छटते कितने हैं, 150 में से 145-145 फेल, 5 पास। और कभी कभी तो ऐसे होते हैं 150 का बेच गए, टाइपिंग में एक जना पास हुए बाकी 149 फेल हो गए, इतनी खतरनाक लेवल की टाइपिंग होती है। और ये किस में हुई, ये हुई है CRPF HCM, जो पीछे एग्ज़ाम हुआ ना 2023 में टाइपिंग हुई थी CRPF HCM की, तो उसमें तो इतनी हार्ड टाइपिंग शायद इसमें ना रहे क्योंकि फिजिकल में पहले छंट जाएंगे, उसके बाद में रिटर्न एग्ज़ाम में छंट जाएंगे, उसके बाद बचे खचे जो बचेंगे छात्र उनके लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी सरल टाइपिंग बना दी जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, जिनको टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं आती है वो अभी से ही, आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद में 1-2 घंटा अपना टाइपिंग का साथ में, रिटर्न एग्ज़ाम के साथ में टाइपिंग का अपना टाइम टेबल में डाल लीजिए और टाइपिंग कीजिए अच्छे से। और रही बात रिटर्न एग्ज़ाम की, तो देखो इसमें जो BSF है, BSF एग्ज़ाम सारा कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, तो रिटर्न एग्ज़ाम मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना हार्ड रिटर्न एग्ज़ाम आने वाला है। किससे कंपैरिजन में, CRPF HCM का जो कंपैरिजन करूँ मैं तो उसका लेवल नहीं आने वाला है। और उससे पहले CISF HCM का हुआ था तो उससे भी उसका पेपर थोड़ा सरल आया, उससे भी सरल नहीं आने वाला है। तो इसका लेवल जो एग्ज़ाम का आएगा वो ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा सरल होगा, देख लेना आप जो भी बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम का लेवल आपका रहने वाला है। तो इस लेवल को कंपैरिजन करने के लिए आपको कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए आपको जो SSC के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, मैथ्स के हो चाहे रीजनिंग के हो, वो आपको लगाने चाहिए। और जो भी अप्लीकेशन है, चाहे टेस्ट बुक हो, ग्रेड अप हो, कुछ भी हो, उन अप्लीकेशन में से आपको इसके टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो टेस्ट आपको लगाने चाहिए। मेरे ख्याल से टेस्ट बुक का जो टेस्ट है वो इसके लिए सही रहेगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन वगैरह डाल रखे वो उस SSC के डाल रखे, अदर इसका मतलब अलग से एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, CAPF HCM BSF HCM, इस वैकेंसी के लिए अलग से टेस्ट बुक बना रखा है टेस्ट, तो वो टेस्ट आप ले सकते हो, उसके क्वेश्चन का आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, तो वो आप टेस्ट लगा सकते हो। और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी, रिटर्न एग्ज़ाम की देखो कट ऑफ की बात करें तो पहले ये सब प्रेडिक्शन करना एकदम बेकार की बातें हैं। अब आपको सिर्फ फोकस करना है कि मेरे को 70% 80% लाना ही लाना है, ये आपको फोकस रखना है। और रिटर्न एग्ज़ाम की भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाले जिस तरह से SSGD की गई है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल क्या रहता है, क्या मेन रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके बाद 5 किलोमीटर जानी है, तो कंपटीशन तो देखो लगातार बढ़ ही रहा है, कितना हाई कट ऑफ SSGD की गई, तो इसमें उतना कंपटीशन है नहीं। और इसका जो एग्ज़ाम है उसके बाद में फिजिकल में छंटेंगे, उसके बाद में CBT एग्ज़ाम है उसमें भी छंटेंगे। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया आप इसमें पहुंच जाओगे अगर नौकरी लग जाओगे, तो ये तो एकदम बेकार की बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने स्किल टेस्ट कर लिया तब आप श्योर हो सकते हो कि आप इसमें उसके बाद ज़्यादा इसकी कट ऑफ इस मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के बाद में। तो मेन इसका जो है वो स्किल टेस्ट ही है, स्किल टेस्ट पे फोकस कीजिएगा। और स्किल टेस्ट में अगर आपका बैक स्पेस अलाउड हुआ और या फिर आपका इसमें MS Word पे अगर टाइपिंग करवाई तो आपकी टाइपिंग इसकी सरल हो जाएगी, क्योंकि
मेरे जो BSF HCM की मैंने टाइपिंग दी थी उसमें वो टाइपिंग मेरे क्लियर थी, वो थी MS Word पे इसमें टाइपिंग थी। और CRP HCM की टाइपिंग मेरे बहुत अच्छी है डेली रूटीन में। और मैंने यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद में ये CRP HCM की टाइपिंग हुई थी, तो उसमें मैंने वर्ड बहुत सारे छाप दिए, वर्ड्स समथिंग 2150 समथिंग वर्ड्स छाप दिए और 1750 छापने थे, तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा हो गई जिसमें CRP HCM टाइपिंग मेरी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि वो अभ्यास भी ज्वाइनिंग करने के बाद वो इतना अभ्यास भी टाइपिंग का नहीं रहा था, और BSF HCM की टाइपिंग एकदम सरल थी तो वो मेरे क्लियर हो चुकी थी। बाकी क्योंकि उसमें MS Word में टाइपिंग करवाई थी और उसका लेवल भी थोड़ा सरल था, इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ जो भी HCM एग्ज़ाम है उसमें मेन रोल टाइपिंग का रहता है। टाइपिंग आप अभी से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे ही बैठे रहेंगे कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, वो सारे फेल हो जाएंगे। इसमें ये इस एग्ज़ाम की सच्चाई है। और भी कोई आपका अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक टाइपिंग का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे टाइपिंग करना है, क्या करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, सारे कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। पैराग्राफ कौन से छापे, कहाँ से लाए, सारा कुछ बताऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।